सुनवाई नहीं थी, आज सिर्फ ये सुनवाई थी कि क्या मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई की कस्टडी मिलेगी या उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। और मनीष जी के लिए बेस्ट ऑप्शन यही था कि जो सीबीआई की जो कस्टडी है वो ख़त्म हो जाए और जुडिशियल कस्टडी जो है वो बढ़ जाए, क्योंकि जब तक बेल डिसाइड नहीं होती है तब तक कोर्ट के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है बल्कि जुडिशियली कस्टडी को जो है एक्सटेंड करने के अलावा। तो मुझे लगता है कि आज सीबीआई के पास ऐसा कोई सवाल नहीं था जिसके लिए वो कह सके कि हमें इन सवालों का जवाब जो है लेने के लिए मनीष जी की इंटरोगेशन चाहिए। पिछली बार भी जब 2 दिन की पुलिस कस्टडी बढ़ी है, वो भी बहुत मुश्किल से जो है कोर्ट ने बढ़ाई है, क्योंकि सीबीआई के पास ऐसे कोई आधार नहीं थे जिसके ऊपर इंटरोगेशन जो है कोर्ट ग्रांट कर सके। तो हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट सिनेरियो आज की जो आज की हियरिंग थी उसके अंदर ये बेस्ट केस सिनेरियो जो था मनीष जी के लिए था। और कोर्ट में उन्होंने गीता की मांग करी, एक डायरी और पेन की मांग करी, क्योंकि मुझे लगता है कि मनीष जी काफ़ी लिखते रहे हैं और उनके विचार पहले भी किताब के रूप में शिक्षा के नाम से जो है सबके सामने आए हैं। तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि एक बुद्धिजीवी होने के नाते जो है वो कुछ लिखना चाहेंगे। और उन्होंने मेडिटेशन की जो है इजाज़त मांगी है, क्योंकि विपाशना मनीष जी हमेशा से करते आए हैं, तो कोर्ट के अंदर भी जो है जो जेल के अंदर जो है अपने समय में विपाशना करना चाहेंगे। तो अब आप लोग इंतजार करेंगे 10 मार्च का जब बेल पिटीशन की सुनवाई जी 10 तारीख को जो है वो बेल की सुनवाई होगी, और जो है उसके बाद जो है तय होगा कि कोर्ट जो है उनको बेल देता है या जुडिशियल कस्टडी एक्सटेंड करता है। अभी हम जो देख रहे हैं, बीते लगातार 2 बार जब भी मनीष सिसोदिया को यहाँ पेश किया गया, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आप लोग सड़क पर उतरे, अपना एक तरह से विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन आज पुलिस के बंदोबस्त तो पूरे हैं लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई सामने नहीं आया तो विरोध प्रदर्शन के लिए। नहीं, कोई विरोध नहीं है और पुलिस को बंदोबस्त करना चाहिए, पुलिस को हमेशा दुरुस्त रहना भी चाहिए, इनका काम है सुरक्षा व्यवस्था जो है ठीक रहे। और हमारी तरफ से जो है जो भी लीगल बैटल है उसके अंदर आम आदमी पार्टी अपनी कार्रवाई कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।